सिरसा हरियाणा की शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के लाखों सेवादारों ने हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में महासफाई अभियान का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष श्रीमती मधु आजाद, मेयर, नगर निगम संचालक डॉक्टर पवन इंशा, मुख्य अतिथि विजयपाल यादव, MSD जोन कमिश्नर मंच पर मंचासीन रहे। अधिकारियों ने सेवादारों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सफाई बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को सफाई करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। कुरूतियां करने के लिए संत अवतार लेते आए हैं, जिससे आज डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंशा है। इस अवसर पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, इटली, न्यूजीलैंड, देश विदेश से लाखों अनुयायी गुरुग्राम में पधारे। सभी अनुयायियों में सेवा करने का जज्बा एक अनोखा तरीका देखने को मिला। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ पर पधारे साथ संगत का उत्साह वर्धन करने के लिए और इस सफाई के महायज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट के मेंबर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में साथ संगत आज इस गुरु नगरी को, क्योंकि पूजा गुरु जी ने यहाँ पर अपने पावन चरण टिकाए, 21 दिन रहे, उसको सजदा करने के लिए यहाँ पर आए चले, ताकि हमारा शहर सुंदर और साफ बने, जिसकी कामना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की थी। इस देश को साफ और सुंदर बनाने के लिए, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की हर चीज़ को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने खुद अपने हाथ में झाड़ू लेके ये अभियान चालू करा है। और इसमें हमारा सहयोग करने जा रहे हैं हमारे डेरा सच्चा सौदा के सभी अगुवाई, सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और हमारे शहर के, हमारे हरियाणा के CM मनोहर खट्टर जी, उन्होंने भी झाड़ू पकड़ी अपने हाथ में इस शहर को साफ करने के लिए। हमारे सांसद राहुल जी जितने भी, और हमारे सभी जितने भी लोग हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी से है, हर जगह इस शहर में चलता रहता है। मगर आज आपने जो शुरुआत की है इतने बड़े स्केल पे, मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। न्यूज 21 के लिए शकील सैफी की रिपोर्ट।